हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वॉल स्टिकी हुक के बारे में। अमेजोन पे आपको बहुत सारे ये वॉल स्टिकी हुक देखने को मिल जाएंगे। इसके काफी सारे बेनिफिट रहते हैं, जैसे कि आप पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो या फिर रेंट के होम पे रह रहे हो, वहाँ ड्रिल करना अलाउड नहीं है। तो इस टाइप के हुक जो कि डायरेक्ट आपको चिपका देने, कुछ भी कपड़े वगैरह टांगने इजिली टांग सकते हो। और ये चीज मैं आपको इस वीडियो में टेस्ट करके भी बताऊंगा, जैसे कि मैक्सिमम में कितना वेट ले सकता है और इसे आप कौन से सरफेस पे स्टिक कर सकते हो, ओवरऑल क्वालिटी, हुक की साइज और कितना मैक्सिमम आप जो कि साइज का इसके ऊपर कुछ भी टांग सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला। तो आप भी सोचे कोई अच्छा सा वॉल स्टिक की हुक परचेस करने के लिए, आपका बजट अराउंड 100 रुपीस के करीब है, तो ये मैंने परचेस किया अमेजोन से 129 रुपीस का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 200-300 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। जैसे कि मैंने ये 10 पीस में परचेस किया हुआ है, 12 पीस भी अवेलेबल है, 15 भी, 20 भी, सभी की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सबसे बड़े साइज के परचेस किए क्योंकि एक ही हुक में आप दो तीन चीज टांग सको तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहे। और अमेजोन पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, जिसके अंदर जो कि साइज इनका बहुत छोटा है, उसके कारण जो कि है ना, आप एक हुक में एक ही कुछ भी चीज हैंग कर पाओगे, तो इसका हुक का साइज भी बड़ा रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग की बात करें, कुछ इस टाइप का अमेजोन का पैकिंग होकर आता है, तो जो कि मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर लिया और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का पैकिंग है, तो आपको भी रिसीव हो तो हो सके इस टाइप का पैकिंग आपको देखने को मिले। और ऑलरेडी मैंने 4-5 लगा दिए है और कुछ अवेलेबल है, ये मैं जो कि आपको डेमो भी दिखाऊंगा किस तरह से लगाने हैं, तो कुछ इस टाइप का आपको ओवरऑल क्वालिटी देखने को मिल जाता है। इस टाइप की हुक है ये 100% स्टेनलेस स्टील हुक है, कभी भी इसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगेगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी हुई है। 6 सेंटीमीटर तक की आपको इसका लेंथ देखने को मिल जाएगा और 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रॉपर एकदम स्क्वायर शेप में बैकग्राउंड का है। और मैक्सिमम लोड ये कितना लेगा वो भी हम टेस्ट कर लेंगे, 5 kg 10 kg। तो सबसे पहले आपको इसके बैक साइड का रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद में आपको जो कि ना वॉल क्लीन कर लीजिए, लगाने के पहले वहां कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे, टाइल्स पे बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से स्टक हो जाता है, मेरे किचन के सामने की टाइल्स है। तो रिमूव करने के बाद में आपको है ना एकदम स्ट्रेट जो कि है ना सबसे ऊपर के साइड से वन डायरेक्शन से लगाते आना, ऊपर से एकदम डायरेक्शन भी देख लीजिए, एकदम प्रॉपर आप लगाइए, अलाइन कीजिए एकदम प्रॉपर, जो जिसके कारण आपके किचन में एकदम प्रॉपर लगेगा, सही लगेगा। और बहुत ही ज्यादा ये इनविजिबल है, तो जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा इधर कुछ हुक लगाया हुआ है, तो इस तरह आपको है ना अपने किचन के सरफेस पर लगा सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बताया, तो बाकी कौन से सरफेस पे आप इन्हें लगा सकते हो, आप वुडन सरफेस पे लगा सकते हो, जैसे कि वुडन के ऊपर सरमाइका लगा रहना चाहिए, तो आप देखते हो कुछ इस टाइप पीवीसी वाले डोर जो कि हमारे बाथरूम के डोर रहते हैं, इस पे भी आप लगा सकते हो, इस पे भी इजी तरीके से स्टिक हो जाते हैं आराम से। और फ्रिज पे भी इजी तरीके से आप इस पे स्टिक कर सकते हो, जो कि है ना फ्लेक्सिबल है, फ्रीज थोड़ा सा कव रहेगा तो भी ये प्रॉपर तरीके से स्टिक हो जाएगा। और ये जो मार्बल का रहता है हमारा डोर के इधर या फिर विंडो के इधर, तो इसके ऊपर भी इजिली स्टक हो जाता है। और कबोर्ड पे भी इजी तरीके से लगा सकते हो, ये पूरा आयरन का कबोर्ड रहता है हमारा इस टाइप का, तो इस पे भी आप स्टिक कर सकते हो। और आप डोर पे भी लगा सकते हो, पर डोर पे सरमाइका रहना चाहिए या फिर ऑयल पेंट रहना चाहिए, तो ये डोर पे जैसे कि देख सकते हो पूरा का पूरा ऑयल पेंट है, तो इस पे भी इजी तरीके से स्टिक हो जाए। और कोई ग्लास का सरफेस है, जैसे कि इस टाइप का ग्लास है या फिर ना मिरर है, इसके ऊपर भी ये इजी तरीके से स्टिक हो जाता है, तो इस पे भी आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो इसे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि मैक्सिमम वेट कितना ले सकता है। सो मैक्सिमम वेट हम मेजर करने के लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग है, इसके अंदर मैं ना राइस फिल करूंगा। तो सबसे पहले मैं मेरा वेट आपको शो कर देता हूँ इधर मेजर करके, तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि 54 जो कि है ना मेरा वेट है 54 kg। तो अब मैं इसके अंदर राइस फिल करता हूँ इस प्लास्टिक के अंदर, बाद में फिर मैं वापस से लेके चढ़ता हूँ, तो जो कि हम 54 माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा इसके अंदर कितना फिल हुआ है। सो मैं फिर से मेज़र करता हूँ, सो टोटल 56.2, तो 54 माइनस 56.2, तो 2 किलो 200 ग्राम के करीब इस प्लास्टिक बैग में राइस और ये प्लास्टिक ओवरऑल मिला के। तो चलो इसे अब हम हैंग करके देख लेते हैं 2 किलो 200 ग्राम का वेट ले पाता है भी कि नहीं। सो ओवरऑल 2 kg 200 ग्राम तक का मैंने वेट इसके अंदर डाला हुआ, और हुक पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ रहा है, हुक पे कोई भी इशू वगैरह नहीं आ रहा, आप देख सकते हो कहीं से भी हुक लूज होना ढीला होना। सो आराम से 2 kg 200 ग्राम तो ये लोड ले रहा है। अमेजोन पे बताया हुआ 13 lb के करीब, तो ये lb मतलब अराउंड होता है 6 से 6.5 kg तक का आप है ना मैक्सिमम लोड ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से 5 kg तो आराम से ये लोड ले ही लेगा। सो लास्ट मैंने 2 kg 200 ग्राम तक का ही वेट डाला, क्योंकि जैसे कि है ना मुझे इतना ही वेट तक का, इससे कम वेट तक का ही मुझे इसके अंदर जो सामान टांगना है मेन, तो मेरे जो बर्तन वगैरह रहते हैं, स्पून्स वगैरह रहते हैं वो टांगने, तो इनका तो वेट इतना होता नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम ही होता है। और आप इसे बाथरूम वगैरह में भी ले सकते हो, तो बाथरूम के भी आप सूखे वगैरह कपड़े रह गए या फिर की टांगना हो गया, चाबी टांगना हो गई, सूख के हिसाब से आप वो सब चीज़ें इसके अंदर टांगोगे तो आराम से वो सारी चीज़ का ये लोड उठा लेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस हुक के बारे में बता दिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से
परचेज किया था 129 का 10 पीस। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये हुक का 200-300 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेज किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और अमेजोन पे बहुत सारे अलग अलग सेलर है जो कि स्मॉल साइज हुक सेल कर रहे हैं या फिर प्रॉपर नहीं है, तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद में ये परचेज किया, इसके रिव्यू वगैरह देखने के बाद में, तो इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।